कपकोट तहसील में होलिका दहन किया गया। इस दौरान सभी होलियार अखाड़े में एकत्र हुए। पंडित चंद्रशेखर जोशी ने विधिवत पूजन किया। होलियारों ने सभी के कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारे व प्रेम का त्यौहार है, इसे पारंपरिक तौर पर ही मनाया जाना चाहिए। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान गणेश उपाध्याय, बसंत वल्लभ जोशी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। फरवरी को चीर बंधन हुआ विधि विधान से, उसके बाद पूरे ग्राम पंचायत भ्रमण के बाद, नगर क्षेत्र भ्रमण के बाद, आज यहाँ विधि विधान से होली का दहन हो रहा है और कल बगैर चीर की होली होगी। इसका भी गायन शिवालय में या कुछ लोग शाही लोग अपने घर में यदि होलियारों को बुलाएंगे तो वहाँ भी गायन होगा। छलड़ी 8 तारीख को मनाई जाएगी। आज 6 तारीख को जो है हमारा चीर जो है आग लग चुकी है। सभी भाई लोगों को होली की बधाइयाँ हैं। ये कितने सालों से आपके गांव में होली हो रही है? ये हमारे पूर्वजों से, आज हमारे बूबू जी से देवी प्रसाद बीफू नाम था, उनका उपनाम था, तो आज 80 साल पहले जो है वो मथुरा से होली लेके आए हैं। आज उन्हीं के सभी हमारे भाई बंधु हैं, सब उन्हीं के आज्ञा अनुसार सब चल रहे हैं और हमारी होली चल रही है। वो जो हमने चीर बंधन किया था उससे चीर को हमने सारे गांव में घुमाया और घुमाने के पश्चात पूरे गांव में मिलजुल करके हमने होली मनाई। सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और उन लोगों ने हमको शुभकामनाएं दी। आज इसका होलिका दहन कहते हैं इसको, होली जलानी, होलिका दहन जलाया जाता है, इसी रूप में इसको मनाते हैं हम लोग और अपने सौहार्द और प्रेम भाव से मनाते हैं। तो मैं आप सबसे पहले CCN न्यूज़ का आभार प्रकट करता हूँ। उन्हें पहले भी जिस दिन हमारा यहाँ 2 तारीख को वो था चीर बंधन था, उस दिन भी आप लोगों ने बड़ा उसमें हमको सहयोग दिया और विशेष समस्त हमारे जितने भी हम होली गायक थे सारे गांव वालों को विशेष इस होली पर मैं विशेष शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज ही का समय था जब मैंने पूर्व कथा में भी आपको बताया था कि होली का जो है वह महर्षि कश्यप की दिति नाम की पुत्री पत्नी से पैदा हुई है और उन्होंने ही प्रहलाद जी को गोद में रख करके जलाने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप वह खुद तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए थे। मैंने यह भी बताया था कि सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई है लेकिन राक्षसों का जो वंश है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर है, उसको तो ब्राह्मणों के श्राप से ही राक्षस बने हैं। क्योंकि एक बार जब सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार जब जा रहे थे विष्णुलोक में तो जय और विजय ने उनके रास्ते को रोका, जबकि भगवान का हुक्म था कि ब्राह्मण, संत, साधु, संत, महात्मा, पतिव्रता स्त्री ये सब भगवान के द्वार में बिगर अनुमति के ही जा सकते हैं। तो दैव संयोग बसात जो था कि कजमल कृष्ण विमूढ़, मतलब सामान्य बुद्धि से वह भ्रष्ट हो गए, उन्होंने ब्राह्मणों को रोका और ब्राह्मणों ने उनको साफ दे दिया कि तुम एक जन्म नहीं 3 जन्म में तुम राक्षसों का शरीर धारण करोगे, क्योंकि मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मण ही भगवान विष्णु के दाहिने हाथ हैं, ब्राह्मण ही यज्ञ का कर्ता एवं भोक्ता होता है। तो लिखते हैं वह पद्म पुराण में, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।